हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गा रेसिपीज में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी और बीटरूट की प्यूरी डालकर पूरी बनाएंगे। तो आलू लिए हैं 4 बड़े साइज के आलू, तो छिलके हटाकर कट करके लिया है। 2 बड़े साइज के ऑनियन बारीक चॉप करके लिया है। धनिया के पत्ते लिए हैं बारीक चॉप करके। थोड़े से पीनट्स लिए हैं। 1 टमाटर हमने चॉप करके लिया है। 3 हरी मिर्च बारीक चॉप करके लिया है। करी लीव्स लिए हैं और 1 चम्मच राई लिए हैं। 1.5 बीटरूट लिया है और 4 बड़े सच के कप में मैंने गेहूं का आटा लिया है, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। तो सबसे पहले हमें बीटरूट को उबालने के लिए कुकर में रखने हैं। तो बीटरूट को पकने के लिए हम अभी कुकर में डाल देंगे। और आलू को भी पकाने के लिए हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तक थोड़े से हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़े से हल्दी, तभी हम इसे चूल्हे पे रख देंगे। तो एक चूल्हे पर हमने कुकर को चढ़ा दिए हैं, बीटरूट को पकने के लिए रखे हैं, और दूसरे चूल्हे पर हमने आलू को पकने के लिए रखे हैं। तो कुकर को हम 2 सीटी देंगे बीटरूट को पकने के लिए। तो पकने के बाद हम चूल्हे से हटा देंगे। कुकर की 2 सीटी हो गई है, तो चूल्हा ऑफ कर देंगे। आलू भी पक चुका है, इसे भी ऑफ कर देंगे। अभी इसे हम चूल्हे से हटा देंगे। चूल्हे से हमने हटा दिया है। अभी हम हीट पक चुका है, तो अभी हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। बीटरूट को ठंडा होने के लिए रख दिए हैं, तब तक हम आलू की सब्जी बना लेंगे। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं और 2 चम्मच ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन में हम मिक्स ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च जो बारीक चॉप करके लिए थे, करी लीव्स, 1 चम्मच हमने राई लिए थे वो भी ऐड कर रहे हैं। ऑनियन को ज़्यादा लाल होने नहीं देना है, सिर्फ हमें सॉफ्ट रखने हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं ताकि ऑनियन थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ऑनियन सॉफ्ट हो चुका है, तो अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अभी हम थोड़े और आलू को उबल कर हमने थोड़े से हल्दी डाले थे, इसमें हम थोड़े से हल्दी ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1/2 चम्मच लिया है, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच और 1/4 चम्मच हल्दी ऐड किए हैं। तो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने देना है, उसके बाद हमें इसमें आलू मिक्स करेंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स करके दे देंगे। Thank you.
अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़े से हम नमक ऐड कर देंगे। दो मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। दो मिनट के लिए हमने ढक्कन ढक के रखे थे, तो दो मिनट हो चुका है, तो सब्जी भी गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसमें चॉप किए हुए धने के पत्ते ऐड कर देंगे। तो आलू की सब्जी रेडी हो चुका है, तो अभी हम पूरी की तैयारी करेंगे। बीटरूट को हमने ठंडा होने के लिए रखा था, वो भी ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसके छिलके हटाकर कट करके ले लेंगे। प्यूरी बनाने के लिए हम इसके जार में इसमें हम छिलके हटा के ले लेंगे। छिलके हटा कर ले लिए हैं, तो अभी हम इसे कट करके ले लेंगे। तो अभी हम मिक्सी में पीस कर प्यूरी बना के ले लेंगे। प्यूरी बना के हमने ले लिए हैं। तो अभी हम इसे आटे में ऐड कर देंगे। हमने आटे को पहले से ही अच्छे से छान कर ले लिए थे। हमें पहले पानी ऐड नहीं करना है, पहले हमें इसे इसमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। अच्छे से हमने मिक्स करके ले लिए हैं, तो थोड़े से प्यूरी है मिक्सर के जार में इसमें रह गए, तो हम इसमें इसे भी स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक भी डालकर हमने अच्छे से मिक्स करके ले लिए हैं, तो हमें इसमें थोड़े थोड़े से पानी डालकर अच्छे से डो तैयार करके लेने हैं। तो हमने डो को अच्छे से तैयार करके ले लिए हैं, तो अभी हम इसमें थोड़े से ऑयल ऐड करके अच्छे से हमने ऑयल ऐड कर दिए हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। दस मिनट के लिए हमने डो को ऑयल लगा के रखे थे, तो 10 मिनट हो चुका है, तो अभी हम अच्छे से डो को ऑयल लगा के रखे थे, तो डो तैयार है, तो अभी हम पूरियां बेलेंगे।
पहले हमें रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे, फिर बाद में इस बाउल के माध्यम से हम पूरी ले लेंगे। अभी हमने रोटी की तरह बेल लिए हैं, इस बाउल को अभी हमने आटा लगाया, अभी पूरिया निकल के ले लेंगे। से भी हम रोटी की तरफ बेल लेंगे। रोटी को ज्यादा पतला नहीं बनाना है, मीडियम रख के फिर हमें पूरियां निकाल के ले लेंगे। तो इसी तरह और भी पूरियां हम रेडी करके ले लेंगे। तो अभी हम सभी पूरियां रेडी करके ले लिए हैं, तो अभी डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिए हैं चूल्हे पे। तो अभी हम ऑयल गर्म होने के बाद पूरियां डीप फ्राई करके ले लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, तो हम एक एक करके पूरियां डीप फ्राई करके ले लेंगे। तो इसी तरह हम तीन पूरियां हमने रेडी करके ले लिए हैं, और इसी तरह बाकी के भी पूरियां हम इसी तरह डीप फ्राई करके ले लेंगे। हमने सभी पूरियां डीप फ्राई करके ले लिए हैं, तो अभी हम खाने के लिए सर्व करेंगे। खाने के लिए आलू की सब्जी और बीटरूट की पूरी रेडी हो चुका है।
अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।